राजस्थान में नागौर जिले से 40 किलोमीटर दूर बुटाटी धाम। जी हाँ, एक ऐसा धाम जहाँ लोग आते तो किसी और के सहारे हैं, व्हीलचेयर पर आते हैं, लेकिन यहाँ से घर जब जाते हैं तो अपने पाँव पे खड़े होकर जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक ऐसी धाम जिसको चमत्कारी धाम के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और अपने लकवे का इलाज करवाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, तमाम जनता मौजूद है, तमाम लोग यहाँ मौजूद है। वो सारे यहाँ पर वो लोग है जिनको लकवे यानी पैरालिस से जो रोग है, जो ग्रस्तित है। जिस पैरालिस या लकवे की हम बात कर रहे हैं, जहाँ डॉक्टर मना कर देते हैं, जहाँ हकीम मना कर देते हैं, जहाँ कहीं इलाज नहीं होता, तब याद आते हैं इन्हें चतुर्दास दी की धाम यानी बुटाटी धाम। तब लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत दूर दराज से आते हैं। आपको बता दें कि एक ऐसी धाम है ये राजस्थान में, जहाँ लोगों के विश्व में प्रचलित है, विश्व में लोग इसको मानते हैं और यहाँ पर अपना इलाज करवा के जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं उनसे मिलवाऊंगी और बताऊंगी कि कितने सारे यहाँ पर लोग हैं, कितने। एक और चीज है, जब भाई हकीम मना कर देता है, डॉक्टर मना कर देता है, ना यहाँ पर हकीम का इलाज चलता है और ना डॉक्टर का और ना किसी और का। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त रखी जाती है, वो है 7 दिन की परिक्रमा करना। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर आते हो तो एक ही शर्त है, 7 दिन आपको रुकना होगा और परिक्रमा भी करनी होगी, लेकिन उसके साथ जो भभूति है, चमत्कारी भभूति, वो आपको लगानी पड़ेगी। और आप फिर देखिए जो चमत्कार होता है, आप लोगों के जुबान सुनेंगे। हमें यकीन नहीं हुआ, हमारी टीम यहाँ पर आई और उसने सर्वे किया, तब जाके हमें पता चला कि इतना चमत्कार यहाँ पर होता है। आप मेरे पीछे देखेंगे, व्हील चेयर पर लोग आते हैं और फिर जो घर जाते हैं तब उनका कुछ अलग ही अंदाज होता है। तो एक यहाँ पर देखो दादी माँ है जिनके साथ एक बुजुर्ग आदमी है, और मैं उनसे बात करके आपको भी बताऊं, क्योंकि यकीन करना मुश्किल है। जी हाँ, जब मुझे यकीन नहीं हुआ तो आप कैसे यकीन करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, भला डॉक्टरों के मना करने के बाद में भी कुछ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, राजस्थान की भूमि पर चमत्कार की धाम यानी बुटाटी धाम इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और क्या नाम है आपका? जी बिल्कुल, आप बताइए कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? आप बताओ कितने दिन हो गए इनको? आपको भाषा समझ में? 5 दिन। देखो, 5 दिन हो गए। तो पहले जब आए तब क्या कैसे थे और अब कितना फर्क पड़ा है? आए जब तो बिल्कुल लाचार थे, हम गाड़ी से ले गए थे। आप पैदल जा रहे हैं? आप पैदल चल रहे हो? और आए तब नहीं चल रहे थे? नहीं, गाड़ी से उठा के लाए थे हाथ में। कहाँ से हो? हम छिपावर से। पहले कभी आए हो? नहीं, मध्य प्रदेश से। नहीं आए, पहली बार आए हो? पहली बार। कहाँ सुना आपने कि ऐसी कोई धाम है? हमने भाई इंदौर में सुना। सुना आपने? और आज आपको 5 दिन हो गए और इतना फर्क आप बता रहे हो, चल रहे हो, आप मुझे चल के बताओगे? बिल्कुल बताइए। तो आप देखिए मेरे साथ और आप देख सकते हो, जो इंसान व्हील चेयर पर यानी हाथों में उठाकर जिसको लाए थे, और वो हमें चलकर बताएंगे। और ये मध्य प्रदेश से आए, आप सोचिए, जो मध्य प्रदेश से आए थे और बिल्कुल अब हमें ये चलकर बताएंगे, जो चल नहीं सकते थे पहले जब वो आए थे। तो बिल्कुल आप उनको सहारा। चलेंगे चलेंगे, कल तो पहाड़ बिल्कुल, यानी कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा है, वो है थोड़ी आवाज, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगी, इतना फर्क पड़ा है। डॉक्टरों से यकीन उठ गया था, भरोसा उठ गया डॉक्टरों का? नहीं हुआ, वो हुआ। यहाँ हुआ? यहाँ क्या करते हो? भभूति लगाते हो, तेल की मालिश क्या करते हो? नहीं, वही जो प्रक्रिया। चलो चल के दिखाएंगे, अब आप देखेंगे सब लोग ये चल के हमें दिखा रहे हैं। बिल्कुल आपने देखा, जो इंसान चल नहीं सकता था, जिस इंसान के पाँव में हाथों में बिल्कुल जो हिम्मत नहीं थी, वो इंसान हमें चल के, मैं चाहूंगी कैमरामैन को थोड़ा नजदीक आके इनको लिया जाए। बिल्कुल भी इनको हम देखते वक्त यकीन नहीं कर सकते थे कि ये इंसान चल सकता है, और ये इंसान इस वक्त चल रहा है बिल्कुल। तो अब इनको बिठा दीजिए आप, तो ये चलकर हमें दिखा रहे हैं थोड़ा ऐसे, जिनको जो चमत्कार है वो यहाँ पर है। जिस चमत्कार की बात की जाती है राजस्थान की भूमि पर यानी बुटाटी धाम में, जो चमत्कार है वो ये चमत्कार है जो इन्होंने दिखाया, और हमें सर्वे में, कहने के मतलब है हमें सच साबित करके बताया कि जो चमत्कार है वो यहीं पे होता है। जी अभी बिल्कुल, राजस्थान की जो भूमि है वो देवों की भूमि है ही, राजस्थान की मिट्टी में वो चमत्कार है, लेकिन जिस मिट्टी की बात करें, चतुर्दास की धाम जो नागौर जिले से सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर ही दूर है। लेकिन एक चीज और जी बिल्कुल, क्या नाम है इसका? आलिया। आलिया, कितने, क्या उम्र है इस बच्ची की? 7 साल की। और क्या हो गया था इसको? मतलब बिल्कुल पैर नहीं सह रहे थे इसके। और अब
अब बिल्कुल तैयार है। देखिए इनके चेहरे पर जो खुशी है वो देखिए। बेटा चल के दिखाओ। चल चल बेटा, चल बेटा, चल बेटा, चल। आपने देखा, नाम आलिया, छोटी सी बच्ची, 7 साल की उम्र है इस बच्ची को। क्या समझती है वो इस बीमारी को, लेकिन इस बीमारी ने इस बच्ची को भी नहीं बख्शा और इसको बिस्तरों के हवाले कर दिया। लेकिन जब परिवार वाले इसको लेकर आए हाथ और गोद में उठाकर, कितने दिन हो गए यहाँ? यहाँ हो गए मेरे को कल 7 दिन हो जाएगा। 7 दिन में ये बच्ची चलने लग गई है। क्या कहेंगे आप इसको, चमत्कार का नाम देंगे? चमत्कारी है, चमत्कारी है। क्या किया बच्ची को, मालिश करवाई, क्या दवाई दी? दवाई हमने तो मालिश में बहुत कम ध्यान दिया, लेकिन इसको मतलब जाना तो पिराने में ज्यादा बाबा के पेरी पेरी गुलाई। जी, यानी जब बाबा की ये जो भूमि है, बात करें इसके ऊपर चलते ही इंसान ठीक हो जाता है। कोई दवाई नहीं देते या? कोई दवाई देते हैं, लेकिन तेल मसलने का, लेकिन हाँ, दवाई में तेल ही है या कोई मेडिसिन दवाई? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। यानी जो बबूती है वो तेल है, वो इनके लिए दवा है, और वो दवा से भी बड़ा काम। मुझे दीजिए इजाजत, मैं और भी आपको लोगों से बात करवाऊंगी और यहाँ के लोगों के बारे में बताऊंगी, लेकिन आप यकीन मानिए ये है राजस्थान की भूमि, यानी बुटाटी धाम का चमत्कार। बोल के दिखाओ, बोले बोल बेटा, बोल बोल पापा के, पापा बोल, अम्मी बोल दे, बोल अम्मी, बोल बोल अम्मी। आपने देखा, इसने अम्मी बोल के बताया, बिल्कुल। नमस्कार। अच्छा, आपने इंदौर से लाए थे?